ये खाली ऐसा ही डेकोरेशन, ये बंदा ने ये डेकोरेशन किया है, इसको देख लो, ये बंदा ने किया था डेकोरेशन सब कुछ। एक्चुअली हम लोग पहले नीचे सोचे थे ना करने के लिए, हाँ अभी मतलब बारिश की वजह से हम लोग ऊपर आए करने के लिए। तो यहाँ पर पैकिंग चल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर मैडम जी पैकिंग कर रहे हैं सब। आपके चैनल में मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, आप कुछ मत बोलो। आज थर्सडे। थर्सडे है, हाँ और ये भाई साहब का बेटी का आज बर्थडे है, तो यहाँ पर आज पैकिंग चल रहा है सब कुछ अभी। तो चलो मिलते हैं थोड़ा टाइम के बाद। सोम्या बोल दो आप। और यहाँ पर पूरा जबरदस्त पैकिंग चल रहा है। हाँ ऑलरेडी हम लोग इतना पैकिंग करके रख चुके हैं, तो यहाँ पर अभी पैकिंग चल रहा है। और क्या वजह? नहीं फोन। आज है नेक्स्ट डे, और कल ऊपर शायद कोई चाय बना रहे हैं इसलिए अदरक उठ रहे हैं सुबह सुबह। तो वहाँ से कल ना मतलब बहुत लेट भी नहीं, वही 8:30 तक आ गई थी मैं। फिर आने के बाद कल पूरा मतलब मुझे बहुत टायर्ड लग रहा था, तो पूरा मैं सो गई। मतलब कल बहुत जल्दी मैं सो गई थी, क्योंकि लगभग आई थिंक 8 आने के बाद ही मैंने फ्रेश हुआ, कपड़ा चेंज किया और फिर मैं सो ही गई थी। और पिंकू काफ़ी लेट तक काम कर रहे थे, मुझे और कुछ नहीं पता। और अभी सुबह उठ के गर्म पानी पी रही हूँ, आप लोग भी पीना सब गर्म पानी। और आज दुर्गाष्टमी है, उस दिन मैंने जिस दिन बोला था कि नेक्स्ट अष्टमी है, उस दिन पंचमी था, मतलब उसकी नेक्स्ट डे षष्ठी था आई थिंक। पर आज है अष्टमी, मतलब आज फ्राइडे है, तो आज है दुर्गाष्टमी। और कल जो है नवरात्र खत्म हो जाएगी, कल और एक दिन है, और परसों दशहरा है। तो या थोड़ा बहुत एक्साइटेड भी हूँ उसी चलते में। और आज तो पूरा मतलब वैसे मैं फास्टिंग तो नहीं करती हूँ प्रॉपर वाला, बट विदाउट ऑनियन गार्लिक जो भी खाना बनेगा वो वैसा ही बनेगा। और यहाँ पे बैठ के गर्म पानी पी रही हूँ, और साथ में यहीं से जो बालकनी का व्यू है वो भी दिख रहा है, और खुद भी मैं मिरर में खुद को देख पा रही हूँ यहाँ पे। वही ड्रेसर के आगे बैठ के वहीं पे पी रही हूँ, यहाँ से अच्छा दिख रहा है बालकनी का व्यू जो है। और आज की ब्रेकफास्ट है ये वही चाय बिस्किट, क्योंकि लंच पे कुछ स्पेशल खाने वाले हैं। और ये साथ इसके साथ ये क्या बिस्किट है आपका फेवरेट वाला? नाइस 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 नहीं है, यहाँ पर कुछ सनफिश लिखा हुआ है। सनफिश कंपनी ने। अच्छा नाइस द बिस्किट ने। इस पे ऐसा शुगर चिपका हुआ हुआ है। यस। और अभी लंच का प्रिपरेशन चल रहा है। आई नो आप गेस कर सकते हो इसमें से कि क्या ही बन रहा है। आलू बॉईल करके कट कर रही हूँ, तो आलू दम ही बनेगा, तो वही और कुछ स्पेशल नहीं। पिंकू को काफी टाइम से मतलब पूरी खाने का मन था, और मैं वेट कर रही थी कि मुझे पता था कि इसी दिन में आज ही मैं मतलब बनाऊंगी पूरी और आलू का सब्जी। तो मैं उनको बोल रही थी कि रुक जाओ बनाऊंगी बनाऊंगी, ऐसे ही बोल बोल के। मतलब वो कब से मुझे बोल रहे हैं, और क्योंकि 2 महीना हो गया हम लगभग पूरी नहीं खाए थे। दिन ना मतलब ये लोग मुझे शांति से कुछ काम करने नहीं देंगे। कल इन्होंने बोला था कि ग्राउटिंग के लिए ये लोग आएंगे, आज फिर से मतलब कल मैंने इसीलिए दिन भर ब्लॉगिंग नहीं किया, और आज फिर से इन लोगों ने उन लोगों का काम शुरू कर दिया आज आके। और पूरा बाथरूम जो है मैंने परसों ही साफ किया था, और अभी आप बाथरूम का हालत देख सकते हो कितना गंदा हो गया है पूरा, मतलब धूल मिट्टी कीचड़ से।
और अभी और एक मुसीबत आ गई, मतलब मुझे नहीं पता था, मतलब आज ना एक्चुअली मैंने सोचा कि इलेक्ट्रिशियन अवेलेबल नहीं होते हैं हमेशा, तो वो इस बिल्डिंग पे आए थे, तो मैंने उनको बोला कि मुझे दो लाइट्स लगवानी थी, एक हॉल पे एक बेडरूम पे, थोड़ा कम लाइट हो रहा था तो मुझे व्लॉगिंग के लिए प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो लाइट आज वो आए हैं लगा ही लेती हूँ भाई। पर मुझे क्या पता था एक लाइट लगाने के चक्कर में मतलब पूरा इतना मतलब मेहनत लगेगा, मतलब इस घर पे वायरिंग का भी इतना सारा प्रॉब्लम है ना, मतलब कहाँ से कहाँ वो लोग अभी वायर डाल रहे हैं, बस सिर्फ एक लाइट लगाने के चक्कर पे पूरा मेरा घर की हालत आप देख सकते हो, मतलब पूरा तहस नहस हो गया है, अभी एक भी सामान जगह पे नहीं है, मतलब अब इन लोगों का काम ख़त्म होने के बाद मैं प्रॉपरली फिर से झाड़ू पोछा लगाऊंगी, फिर जाके कुछ होगा, मतलब पूरा आज मेरा दिन ही मतलब पूरा बेकार चला गया, पूरा वेस्ट हो गया आज पूरा दिन। तो अभी मतलब पूरा अभी शाम हो गया है और तब से मैं गायब थी, मतलब लंच हो गया था, हम लोगों ने पूरा आज पूरा मतलब कैसा दिन गया है, मैंने क्या क्या सोचा था आज मैं कितना अच्छे से ब्लॉगिंग करूंगी, कितना अच्छे से मतलब पूजा करेंगे, पर आज पूरा दिन बर्बाद हो गया। जो मतलब सोचते हैं ना वो कभी कुछ नहीं होता। वही मैं बोल रही हूँ, पहले आया ना प्लम्बर, वो भी इनकी वजह से, मैं मना ही कर रही थी कि आज मना कर दो, कोई काम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज पूजा वगैरह है, मुझे पता था प्रॉब्लम हो जाएगा। और ना मैंने सोचा था, मैंने कुर्ती भी निकाल के रखा था यार कि कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, चलो फिर घर पे भी पहन लूंगी एक अच्छा वाला कुर्ती, पर नहीं पहन पाई। हाँ फोटो नहीं है सही, मतलब अच्छा लगता है। अभी ना आंटी आए काम करने, आंटी भी पूरा मस्त वाला मतलब ड्रेस पहने अच्छा वाला, आंटी घूमने गए थे, मैं दिखाऊंगी आंटी का काम खत्म हो जाए फिर। पर जैसे कि मैंने दिखाया, पहले आ गया प्लम्बर, फिर आ गया इलेक्ट्रिशियन, एक छोटा सा लाइट लगाने के लिए ना ये घर पे इतना मतलब प्रॉब्लम हो गया। देखो इतना प्रॉब्लम है, अभी कितना अच्छा लाइट लग रहा है। हाँ। तो अभी पूरा लाइट ही लाइट है ये घर में, क्योंकि मैंने जो ड्रेसर है मेरा या इसके फ्रंट पे रखा, तो उस एरिया पे लाइट नहीं आ रहा था, क्योंकि एक इधर है और एक इधर है, तो वहाँ पूरा अंधेरा अंधेरा दिख रहा था, तो उसी चलते वहाँ पर मुझे एक और लाइट लगाना पड़ा। और एक लाइट लगाने के चक्कर के मतलब वजह से हम लोगों ने पूरा ये कहाँ से क्या खोला, कहाँ से वायर डाला, बहुत प्रॉब्लम है भाई इस घर में। फिर उसके बाद ना मतलब आज पूरा अरवन के पालों पे भी ये गुस्सा हो गए, वो लोग को इन्होंने बुक किया था 4:30, पर वो आ गए हैं 3 बजे, मतलब तभी जस्ट हम लंच कर रहे थे और वो लोग आके पहुंच गए, एक तो इन लोगों की वजह से हम लेट हो गए, तब लंच कर रहे थे और वो आके पहुंच गए, मतलब पूरा दिन। और ठीक से जो भी हो मतलब अब तो एटलीस्ट हम लोग ठीक से लंच किया नहीं था, मैंने 2 ही पूरी खाया था तब, इसीलिए अब फिर से मुझे भूख लगा। और अभी पिंकू चाय पूरी उनका खा रहे हैं, कोई बोला था कि मतलब चाय पूरी भाई खा के देखना, भाई चाय पूरी मेरा फेवरेट है, मैं हमेशा खाता हूँ, उनको खा के देखने की जरूरत भी नहीं है, चाय के साथ मेरे को 10 पूरी दे दो मैं आराम से खा लूंगा, सब्जी के साथ 3-4 पूरी से मेरा ज्यादा नहीं जाएगा, 10 करोगे चाय के साथ खा लूंगा 10 पूरी, फिर चाय के साथ मैं आगे से दूंगी नहीं। तो भाई अभी ना हैप्पी दुर्गा अष्टमी टू ऑल। और मतलब मेरा ना वो एक्साइटमेंट है जो सुबह था, जैसे मैंने सोचा था व्लॉग करूं कि अभी पूरा मेरा मतलब सर दुख रहा है पूरा, अभी फिर मैंने ये रूम झाड़ू पोछा किया क्योंकि आंटी करके चले गए थे कल ना, इसी चलते मैंने व्लॉगिंग नहीं किया था, क्योंकि मुझे बोला था कि वो लोग ही कल आएंगे काम करने, वो प्लम्बर वगैरह, पर कल आए ही नहीं। ऐसा ही करते हैं, कल मैंने आंटी को भी मना किया था कि आंटी आप छोड़ दो सुबह, शाम को झाड़ू पोछा कर लेना, मतलब झाड़ू करके चले गए, आंटी पोछा शाम को मार लेना, पर वो लोग आए ही नहीं, और आज झाड़ू पोछा लगा के चले गए, फिर उसके बाद वो लोग आगे। अभी तक एक्चुअली ये घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो बहुत सारा काम जैसे नया नया कुछ कुछ काम आ रहा है, तो वो लोग कर रहे हैं, तो सिपेस का काम था ना, अभी फिर से काम चलेगा, वो खत्म नहीं हुआ है, अभी खाली बाथरूम का वो चेंज किया है, अभी वो ग्राउटिंग करेंगे, ये वॉल को पूरा वो पुट्टी करेंगे, उसके बाद उसको क्या उसका ड्राई करेंगे, बहुत सारा काम है, अभी 7 दिन लगेगा वो बोल रहे हैं, मैंने बोला जो भी करो संडे हम लोग घर पे नहीं रहेंगे, तुम क्या करते रहो। हो गया आंटी, आंटी आपका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, आंटी का ड्रेस देखो वीडियो में दिखा रही है तो कितना अच्छा, आंटी ड्रेस पहन के घूमने गए थे, मैं आंटी को बोल रही थी इसीलिए कि आंटी क्यों ये पहन के आए हैं, मतलब और चेंज करके आ जाते ड्रेस, लेकिन आंटी आपका बहुत अच्छा लग रहा है। बंद कर दूं?
और अभी फिर से बारिश शुरू हो गई है थोड़ा थोड़ा करके, अभी पता नहीं फिर से होगा ही। और ये वाला व्यू कितना मस्त लग रहा है यार, पूरा मतलब अभी पूरा अंधेरा भी नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा हुआ है और थोड़ा मतलब आधा अंधेरा हुआ है, पूरा अंधेरा हो जाएगा तो ये दिखेगा भी नहीं ठीक से। और अभी मस्त लग रहा है पूरा ये वाला व्यू, आप देख सकते हो। मुझे मन होता है ना पूरा मतलब यहीं पे सोफा ले आऊं और बैठ के ये वाला व्यू बस मैं देखते रहूं, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये वाला व्यू मुझे ना। आप लोग को मैं दिखा 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 के ये वाला व्यू बोर भी कर देती हूँ, पर मैं बोर नहीं होती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं जितना भी देखूँ। और ये सोफा मतलब आज पूरा इसीलिए ना मैं हमेशा मतलब शाम को करती हूँ कि ताकि पूरा मतलब ये रात भर सूख जाएगा। अभी तो हम चाके भी यहाँ पर बैठ नहीं पाएंगे और आज पिंकू यहाँ पर बैठ के बिग बॉस। अरे ये देखिए पूरा सोफा का हालत आज क्या हुआ है, मतलब साफ कर दिए हैं बट यहाँ पर थोड़ा थोड़ा येलो दिख रहा है, वहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा येलो दिख रहा है, हाथ रख रख के ना ये वाला मतलब, बट फिर भी बहुत साफ हो गया है। और ये सूखने के बाद इसका ओरिजिनल कलर भी आ जाएगा। इतना बार पहले तीन बार कराया है कुछ नहीं हुआ है, पर आज हम लोग करके जाने के बाद ना ऐसा मैंने हाथ लाया यहाँ से पूरा मेरा हाथ गीला और वो फोम जो जो उनका लिक्विड होता है लिक्विड का पानी है, मेरा मतलब दिमाग गर्म हो गया। और मैंने उनको बोला भी कि अरे यार मैंने पहले भी कराया है ऐसा नहीं होता है, पर बोल रहे नहीं ऐसा ही रहता है। और मैंने बोला कि मैंने तीन बार करा चुकी हूँ मैं, ये पहली बार थोड़ी है। फिर मतलब मैंने ऐसा हाथ यहाँ पर मतलब रब किया ना, पूरा फोम क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। मैंने बोला यार तो मतलब बाद में स्वेटिंग होगा हाथ रखते हुए, फिर पानी गिर जाएगा तो पूरा वो मतलब फोम मतलब निकलेगा, जैसे डिटर्जेंट कपड़ा पे रहेगा तो वो थोड़ी पहनेंगे हम, तो उसी तरह से। तो फिर वो लोग नीचे चले गए थे, उनको बुला के हम लोग फिर से वैक्यूम क्लीनर के बट नहीं हो पाया, दशहरा से पहले हो गया तो ये दिवाली के लिए काम हो जाएगा। बस दिवाली में आपको जो डेकोरेशन वीडियो आएगा उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्लीन हो जाएगा। देखो कैसे दिख रही है चिरंजी भैया टू, चिरंजी भैया मैं हूँ, मैं खुद के लिए खाना ले रहा हूँ। ओके तो वो भैया भाभी मतलब भाभी खाना भेज रहे हैं पिंकू के लिए, तो मैसेज किया था उन्होंने, तो मेरा काम छुट्टी होगा तो इसलिए सोच रही हूँ सो जाऊंगी आज भी 8:30 बजे सो जाऊंगी। आज अभी 8 बज रहा है तो आज भी 8:30 बजे सो जाऊंगी। तो गाइस चलिए साथ ही साथ आज का ये जो व्लॉग है यहीं पर एंड कर देती हूँ, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। अगर व्लॉग अच्छा होगा तो लाइक कर देना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, टेक केयर बाय बाय गाइस। नन अमु मार दो हर सुगा आप सच्ची। तब आप लोगों के लिए क्या है, तो आप लोग बोलना अभी वीडियो क्वालिटी कैसा आ रहा है। अच्छा है ना, मस्त आ रहा है, मस्त आ रहा है, मस्त आ रहा है, और जरूरत नहीं है कुछ भी, अभी मस्त आ रहा है, मस्त 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 गाइस देखो क्या क्या खाना सब आया है। तो भाभी ने भेजा है यहाँ पर सूजी का हलवा, और ये क्या मतलब मालपुआ जो मैंने बनाया, केले का मालपुआ है। हाँ। और ये पूरी मतलब मुझे पता नहीं उन्होंने कितने लोगों के लिए भेजा है, साइज भी देखो हम लोग के हिसाब से भेजे हैं वो। हाँ, और कितने दिन तक हम इसे खाएंगे, आपका कल सुबह भी चाय और पूरी। गाइस कौन 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 बैंगलोर में आओ, आ जाओ खाने के लिए इतना। और ये आलू का सब्जी, आलू और पनीर है उसमें, आलू है। इतना सारा सामान मतलब, ये पूरी कब खत्म होगा मुझे ये नहीं पता, ये पूरी कब खत्म होगा, ये बिल्कुल चाय में खा सकते हैं। हाँ चाय में खा सकता हूँ, ब्रेकफास्ट मेरा हो गया ना, मतलब इतना सारा कौन भेजता है। अगर ये ब्लॉग देख रहे हो आप, भाभी आपको बोल रहा हूँ, इतना सारा कौन भेजता है।